सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंतजामिया और एहतजाजी यंग डॉक्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। डीसी इस्लामाबाद का कहना है कि मुजाहरीन रोड क्लियर करेंगे तो गिरफ्तार अफराद को रिहा कर देंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि पहले डॉक्टर्स को रिहा करें फिर रोड को खोला जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा क्या तफसीलात हैं, अभी तक क्या सूरत हाल यहां पर देखने को मिल रही है आपको? देखें, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर 1 पॉइंट एजेंडे पर एहतजाज जारी है और जो एहतजाज किया जा रहा है वो NLE एग्ज़ाम है जिसके खात्मे का मुतालबा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कर रहे हैं और इसी मामले पर आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज जारी था और आज डॉक्टर्स ने इस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश की जिसमें पुलिस ने रास्ता रोका और पुलिस और डॉक्टर्स के दरमियान झड़प हुई जिसमें पुलिस एहलकार, पुलिस का ये दावा है कि 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और उसी मामले पर तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है, DC इस्लामाबाद आए, उन्होंने मुजाहरीन से मुतालबात किए, उनके मुतालबात सुने और उसके बाद उनको ये दावत दी कि जितने भी यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एहतजाज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने दे रही है वो रोड को खाली कर दे और जो डॉक्टर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक डेडलॉक बरकरार है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दोबारा यंग डॉक्टर्स को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि पुलिस उनके जो मुजाहरीन डॉक्टर्स हैं उनको जिनको गिरफ्तार किया है उनको रिहा कर देगी। अभी तक डॉक्टर्स को रिहा नहीं किया गया और अभी तक इनका धरना और एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर यंग डॉक्टर्स को फौरी तौर पर ना छोड़ा गया, 7 बजे तक का टाइम उन्होंने इस्लामाबाद इंतजामिया को दिया है कि 7 बजे। ठीक है, उस्मान जावेद मलिक आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स का सरगोधा रोड पर एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने सरगोधा रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया जबकि डॉक्टर्स ने राहगीरों पर भी तशद्दुद किया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा बताएगा, पुर अमन एहतजाज तो ठीक मगर शहरियों पर तशद्दुद किया गया इस दौरान? जी बिल्कुल, राहगीर जो है वो रास्ता मांगने के लिए आगे गया जिस पर जो है वो यंग डॉक्टर आपे से बाहर हो गए और शहरी पर जो है वो तशद्दुद करने लगे। उसका ये कहना था शहरी का कि मैं चंद कदम दूरी पर जाना चाह रहा हूँ जिस पर मुझे इमरजेंसी है, मैंने पहुंचना है, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं वो आपे से बाहर हो गए और उस पर जो है वो तशद्दुद करते रहे। इसके अलावा राहगीर जो भी यहाँ से गुजरा था यही इतराब के साथ जो है वो लाइव हॉस्पिटल में लगता है, तो इमरजेंसी जाने के लिए लोग जो भी सुरगोधर रोड से उनको जो है वो डायरो रोड के जरिए वहां पे आना पड़ रहा था। तो शहरी जितनी देर ये एहतजाज जारी रहा उस दौरान जो है वो अजियत में रहे और उनका ये मुतालबा था कि इनका जो जो एहतजाज है वो खत्म किया जाए। उसके बाद मुतलका SHO वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो है वो मुतलका यंग डॉक्टर को कहा कि ये एहतजाज। ठीक है अली रजा, आप अपडेट कर रहे थे इस एहतजाज के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। शुरखा ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिशें नाकाम बनाने के अज़्म का भी इआदा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में तेजी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में कानूनी टीम का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने नायब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस में तरमीम की समरी काबीना अरकान को भिजवाई जाएगी, समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में कानूनी टीम का इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीरे आज़म ने नायब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी जबकि ऑर्डिनेंस में तरमीम की समरी काबीना अरकान को भिजवाई जाएगी। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुदत में तौसी के लिए कल ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब पर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि सर्दियों में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देंगे, गैस की बजाय ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को 7 रुपए तक का रिलीफ दिया जाएगा। लिहाजा 7 रुपए तक का रिलीफ जो है वो एक फॉर्मूले के तहत जो है वो दिया जाएगा सार्फीन को जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में और कम गैस इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन नैब के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है वो आज कैबिनेट में बहस में नहीं आया, कल इस जमन में
ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लकुना को दूर करेगा। अभी भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नायब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़े एक मौकफ है, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। बीएपी के नाराज अरकान और इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान को कल तक की मोहलत दे दी। कहते हैं कि जाम कमाल ने इस्तीफा ना दिया तो तहरीके अदम एतमाद समेत अहम फैसले करेंगे। नाराज अरकान सहाफियों के सवाल सुने बगैर ही चले गए। विफाक की तरह आजाद कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत कायम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटली में जलसे से खिताब में दावा किया है कि आजाद कश्मीर आज भी पीपल्स पार्टी का है। आजादाना इलेक्शन हो तो कश्मीर और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो ने जालों को जोश गरमाते हुए कहा कि हमने आमरों का मुकाबला किया है, ये कठपुतली क्या चीज़ है। उन्होंने वजीर आजम से सवाल किया कि खान साहब कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कल भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। हर शियादा के लिए जेल जाना जरूरी है। जब सलमों का मुकाबला करते हैं, जब आमरों का मुकाबला करते हैं, तुम कठपुतली हो तो कोई चीज ही नहीं होते हैं। हम पूछते हैं खान साहब से कि कहां गए आपके 1 करोड़ नौकरियां, कहां गए आपके 50 लाख घर। ये कश्मीर के अवाम, ये पाकिस्तान के अवाम आपसे हिसाब लेंगे। पिंडोरा पेपर्स के इंकशाफात पर विफाकी वजीर आबी वसाइल मौनस इलाही का मौकिफ सामने आ गया है। वो कहते हैं कि कोई ऑफशोर कंपनी है और ना ही ऐसा असासा जिसे डिक्लेयर ना किया हो। विफाकी वजीर ने तमाम क्या सराइयों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं पिंडोरा पेपर्स के इंकशाफात पर विफाकी वजीर आबी वसाइल मौनस इलाही का मौकिफ सामने आया है। वो कहते हैं कि कोई ऑफशोर कंपनी है और ना ही कोई ऐसा असासा जिसे डिक्लेयर ना किया हो। विफाकी वजीर ने तमाम क्या सराइयों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं, किसी इदारे को कमजोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं माजी में नून लीग ने असम्बली में आईनी बिल भी पेश किया लेकिन मौजूदा हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने में संजीदा नहीं है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने हमेशा कौम से झूठ बोला, मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया। सीपेक को आगे ना बढ़ाने पर चीन भी नाराज है। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। कहां गए वो 200 अरब डॉलर जो आने थे बाहर से, कहां गया वो 50 लाख घर जो गरीबों को मिलने थे, आज लाखों लोग बेघर हो गए। ये जनूबी पंजाब 100 दिन में सूबा पंजाब का नारा लगाया था, वो नारा कहां है? लोग आपकी राह तकते हैं। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया, साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है। जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया, कर्जे लेते हैं लोग, लेकिन मुझे आप ये बता दें 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, कोई मंसूबा लगा इन कर्जा जात से को आप एक तरफ रख लें। इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए आज तक इसकी नजीर नहीं मिलती, क्या कोई मंसूबा है दिखाने के लिए? हमारा दोस्त चाइना है, उसके भी तहफुजात हैं कि आप सीपेक को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे। तो मेरे भाई इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रॉयल सऊदी नेवी के कमांडर वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफेली ने DHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाका इस्लामती, फौजी और मैरीटाइम के शोबों में तआवुन पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मुस्लिम भाईचारा और दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। जसद खाकी कल सुबह 5:45 बजे कराची पहुंचने की तवक्को है। उमर शरीफ की मैयत तुर्किश एयर की परवाजों के जरिए 2 मरहले में कराची पहुंचेगी। मैयत जर्मनी के वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे तुर्किश एयर की परवाज से न्यूरेम्बर्ग से इस्तनबुल पहुँचाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में मैयत इस्तनबुल से कराची लाई जाएगी।
कराची पहुंचने पर पहले मैयत ईदी सरदखाने सोहराब गोट रखी जाएगी। दोपहर को गुलशन इकबाल में उनकी रिहाइश का मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां से जनाजा उठाया जाएगा। नमाज जनाजा सपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क लिफ्टन में होगी। उमर शरीफ की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। लंदन में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए 6 घंटे तक बारिश होती रही। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नाइट्स ब्रिज के इलाके में बारिश का पानी मरकजी शहरा और दुकानों में चला गया। नाइट्स ब्रिज लंदन के पोश इलाकों में आता है, जहाँ महंगे ब्रांड्स और होटल्स भी मौजूद हैं। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है लंदन में? जी बिल्कुल, रात में 6 घंटे तक लंदन में बारिश होने के बाद जलसा लेक हुआ, और ये नाइट का इलाका वो है जहां पाकिस्तानी एम्बेसी भी है और दुनिया का महंगा तरीन शॉपिंग मॉल हैरिट्स भी यहां है। और ये अगर बात करें तो इससे कहना गलत ना होगा कि बरतानिया लंदन का महंगा तरीन शॉपिंग का एरिया भी है, और यहाँ होटल और रेस्टोरेंट जो है वो महंगे तरीन है। तो ये रात में जो बारिश हुई है तो पानी जो है वो दुकानों के अंदर भी दाखिल हुआ है। हम बिल्कुल थोड़ी देर पहले वहाँ विजिट भी करके आए हैं, दुकानों के अंदर से पानी जो निकाला गया रोड क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन बारिश होने से यकीन तौर पर रात में जो वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और लोगों ने देखा कि बारिश जो है इस हाथ से ज्यादा, जिसकी बिना पर 6 घंटे तक मैच ने कहा कि बारिश हुई, जिसकी बिना के ऊपर पानी जो है मुतल का ज्यादा होने की वजह से इलाकों में गया। फुटेज भी देखी जा सकती है जिसके अंदर अब इंतजामिया हरकत में आई, उन्होंने पानी निकाला। 6 घंटे तक मुसलसल बारिश हुई और मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। हमारे नुमाइंदे बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि पहली दफ़ा असातिज़ा की भर्ती के लिए शफाफियत और मेरिट पर टेस्ट लिए गए। हमें बुनियाद रखनी है, मेरिट की बुनियाद पर चाहे कम उस्ताद भी आएँ लेकिन कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में यौम असातिज़ा पर तकरीब का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, महकमा तालीम और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस एसोसिएशन के इश्तराक से मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कामयाब उसातिज़ा को अवार्ड्स दिए गए। दुनिया है और ये हम जो इस रोशनियों से भरे हुए इस हाल में हम बैठे हुए हैं और इस 5-स्टार होटल में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, तो ये सब कुछ दुनिया को देने वाले वो उस्ताद ही हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार उसातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है, मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलकर करना पड़ेगा, हम आपसे सीखेंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, गवर्नमेंट आपको कानून उसके हाथ में है, रेगुलेशंस गवर्नमेंट के पास है, वो हम आपको सपोर्ट करने के लिए इस हवाले से तैयार हैं, बाकी एक्सपर्टीज आपके पास है, सो कम फॉरवर्ड और आज के दिन ये आके आप इस सिस्टम को हमें बचाएं। तकरीब में सूबे भर से उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। बरतानवी हुकूमत और तालिबान के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। तालिबान रहनुमाओं की तरफ से बरतानिया समेत दुनिया भर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का इरादा किया गया। तालिबान रहनुमा कहते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान के मुंजमद असासे फौरी बहाल करे। काबुल में मुल्ला बरादर, मुल्ला हनफी और वजीर खारजा मुल्ला मुत्तकी से बरतानवी वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी सर सैमोन गास ने वफद के हमरा मुलाकात की है। साल 2021 के लिए फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। रवा वर्ष का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरक तौर पर जीत लिया है। जापानी नयात अमरीकी साइंसदान स्योखोरो मनाबे और जर्मन साइंसदान क्लॉस हैसलमैन को ज़मीनी आबो हवा की फिजिक्स मॉडलिंग पर नोबेल इनाम से नवाजा गया, जबकि इटली के जॉर्जियो पारिसी फिजिकल सिस्टम पर खराबी और तार चढ़ाव के दरमियान ताल्लुक दरियाफ्त करने पर नोबेल इनाम के हकदार ठहरे। लाहौर की कदीम सकाफत उजागर करने के लिए दिल्ली गेट में क्राफ्ट घर कायम कर दिया गया। दस्तकारी के फनपारे मरकज़ निगाह हैं। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी के मुताबिक क्राफ्ट घर मकामी आर्ट और दस्तकारी के फरोग के लिए संगे मील साबित होगा। रिजवान नकवी की रिपोर्ट देखिए। और का तारीखी वर्षा मकामी हुनरमंदों और दस्तकारों के रोजगार का बाइस बनेगा।
डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने दिल्ली गेट में क्राफ्ट घर का इफ्तिताह कर दिया। कामरान लाशारी कहते हैं कि क्राफ्ट घर के क्याम का मकसद मकामी तौर पर बनने वाले नवादरात के साथ साथ पुराने लाहौर के मास्टर कारीगरों के फन को उजागर करना है। हमने 7 रैक्स बनाए हैं, उनमें से 1 रैक हमारे अपना प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बाकी हमने आउटसोर्स किए हैं, जिनमें पॉली एंड स्टोरीज का एक है, गुलखाना ट्रक आर्ट का है, फिर यहाँ की मुकामी जो आर्टिस्ट सिस्टर्स हैं उनका है, और भी आगे हम इसी तरह आउटसोर्स कर रहे हैं। वार्ड सिटी अथॉरिटी और दीगर कंपनियों ने टी शर्ट्स, टोपियां, फाइल फोल्डर्स, पानी की बोतलें, पेंटिंग्स, टेबल सेट्स में दस्तकारी के मुख्तलिफ फनपारों से क्राफ्ट घर को मुजयन कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर क्राफ्ट आयशा खान ने बताया कि पुराने लाहौर के कारीगरों की मसनूआत फरोख्त के लिए पेश की गई हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑन बोर्ड लिए हैं और उन्होंने जो कि उन्होंने सबसे पहले आके यहाँ की पूरी कंप्लीट फोटोग्राफी की, क्योंकि हम लोग की डिमांड ये थी कि जो भी सोवेनियर्स रखे जाएंगे टूरिस्ट के लिए वो हेरिटेज साइट से रिलेटेड हों। क्राफ्ट घर में गुलखान ट्रक आर्ट, पोली और बाल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के फनपारे अवेजा किए गए हैं। क्राफ्ट घर सकाफत को उजागर करने के साथ मुआशी सरगर्मियों के फरोग का बायस भी बनेगा। कठिन हालात का मुकाबला करने वाले लोग काबिले तहसीन भी हैं और काबिले तकलीद भी। इन्हीं बाहिम्मत अफराद में एक नाम प्रोफेसर जुनेद का भी है, जो बिनाई से महरूम होकर भी दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। जहलम से देखिए आमिर शबीर कियानी की रिपोर्ट। प्रोफेसर जुनेद पैदाइशी तौर पर बसारत से तो महरूम हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में तलबा को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। प्रोफेसर जुनेद पंजाब के पहले नाबीना टीचर हैं, जो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। वो आजकल इंग्लिश में PhD की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल अड्राना में मैं पहला ब्लाइंड पर्सन हूँ पंजाब का, जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके एज डायरेक्ट एज अ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल में आए। प्रोफेसर जुनेद अपने घरेलू उमूर भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ वो एक अच्छे वालिद और शोहर भी हैं। ब्लाइंड होने के बावजूद एक आम हस्बैंड्स के कंपैरेटिवली मैं समझती हूँ कि अगर शायद मेरी किसी साइटेड बंदे से शादी होती तो वो मुझे इतना कोऑपरेटिव ना मिलता। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।